गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोज मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है SSC बैंकिंग रेलवे एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों और प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर आज जरूर कर दें सभी मित्रों के साथ, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो देखिए दोस्तों 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी मनाई गई है 100वीं बरसी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस मौके पर जो स्मारक सिक्का और स्मारक डाक भी जारी किया है इन्होंने। आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को इसी दिन जो है जलियांवाला पार्क में एक शांतिपूर्ण बैठक के दौरान जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उसी के आदेश पर जो है सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। और कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 13 अप्रैल 1919 को ये डेट याद रखेंगे, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन SSC बैंकिंग रेलवे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हाल में जो है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई है? 100वीं बरसी मनाई गई है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? देखिए दोस्तों एक नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया ये दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको बता दें इसमें दोस्तों नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल सुनील लांबा जी नई दिल्ली में एक नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। तो वर्तमान में कौन है नौसेना प्रमुख? एडमिरल सुनील लांबा, ठीक है, सुनील लांबा जी हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है आपसे कि वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? सुनील लांबा हैं। इन्होंने ही किया नई दिल्ली में एक नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन, और इसमें दोस्तों जो है नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देगा ये, और इस परियोजना में डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स ऑनबोर्ड युद्धपोतों को बेहतर बनाने हेतु सहयोगी डिजाइन की समीक्षा की सुविधा होगी, ठीक है। तो एक नया अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर उद्घाटन के शहर में किया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इनमें से किस तस्वीर की खोज की थी, किसकी तस्वीर खींची थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक होल। देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने जो है सुदूर आकाशगंगा में स्थित जो ब्लैक होल है इसकी पहली तस्वीर ली है, ठीक है। और आपको बता दें तस्वीर को दुनिया भर में 8 दूरबीनों से एक नेटवर्क द्वारा लिया गया है, जिसमें इवेंट होरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, इवेंट होरिजन टेलीस्कोप जाना जाता है। आपको बता दें कि यह उपलब्धि हार्वर्ड एंड स्मिथ सेनियन में सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा हासिल की गई थी, ठीक है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसमें किस तस्वीर खींची थी? ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत बढ़ी है? दोस्तों मार्च 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है 2.86%। देखिए दोस्तों खाद्य सामानों तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण इस वर्ष मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति जो है बढ़कर 2.86% हो गई है, ठीक है। और इसमें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 2.57% थी, ठीक है, और यह मार्च 2018 में 4.28% थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट एंड्रयूज द एपकोल प्रदान करेगा? तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। देखिए दोस्तों रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड प्रदान करेगा, ठीक है, रूस प्रदान करेगा। और आपको बता दें कि यह अवार्ड जो है रूसी संघ और भारत के बीच विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु श्री मोदी जी को असाधारण सेवाओं के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। और यह पुरस्कार रूस का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान माना है, ठीक है दोस्तों, रूस का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्यों दिया जा रहा है? कि भारत के बीच विशेष तथा विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी को यह दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड? रूस का सेंट एंड्रयू अवार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रूस, ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा,
कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार दोस्तों बन गया ये हांगकांग, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, हांगकांग जो जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, ठीक है, हांगकांग। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और किसको छोड़ दिया पीछे? जापान को। अब तक दोस्तों यह केवल अमेरिका और मुख्य भूमि चीन से पीछे है। और जापान दोस्तों 5.76 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में हांगकांग का मार्केट कैप जो है 5.78 ट्रिलियन डॉलर था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगकांग, ठीक है। हांगकांग जो जापान को पीछे छोड़ते दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अप्रैल 2019 में पैसलो डिजिटल ने किस बैंक के साथ सह उत्पत्ति ऋण समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए दोस्तों, पैसलो डिजिटल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सह उत्पत्ति ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह देश में अपनी तरह का पहला समझौता है जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, कंपनी का लक्ष्य जो है वित्त वर्ष 2020 में इसमें 2 लाख ऋण आवेदकों को वितरण करना है, ठीक है। और सुनील अग्रवाल पैसलो डिजिटल लिमिटेड के MD हैं। कौन है? सुनील अग्रवाल। अब यहाँ पे बात हो रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिससे रिलेटेड फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार, रजनीश कुमार जो है वर्तमान में चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आप फैक्ट याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भारतीय स्टेट बैंक है, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जुजाना कैपुतोवा। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था और काफ़ी डिटेल में लिखा था दोस्तों, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हम सवाल देख लेते हैं अपना। 2019 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया? एलिस पी वैद्यन, मेरी वर्ना, डेनिस मॉरिसन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया 2019 में। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हैं मॉर्निंग में तो इसका आंसर आपको पता होगा। यदि आपने कल का वीडियो यानी 13 अप्रैल का नहीं देखा है, एंड स्क्रीन में यहाँ पे जस्ट प्ले होगा, ज़रूर देख लें आप क्लिक करके इसमें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बगल में घंटी है बेल आइकन उसको प्रेस कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।